टेरर पॉलिटिक्स की एक थोड़ी सी मैं जरा विस्तार से बात कहना चाहूँगा, क्योंकि भारत में बंटवारे या आज़ादी के समय से दंगे तो शुरू हो गए थे, कुछ देर के लिए गांधी जी और अन्य लोगों के प्रयास से थोड़े से थमी भी थे, लेकिन फिर उसके बाद में 10-15 साल के भीतर फिर से उनका दौर शुरू हुआ। लेकिन वो सभी दंगे लोकल लेवल के होते थे, गली कूचे के होते थे। भागलपुर दंगे ने उसकी पूरी शक्ल बदल दी। ये भारत का आज़ादी के बाद का पहला दंगा है जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग कन्वेंशन वेपन लेके निकले और इन्होंने 3000 से ऊपर लोगों की जाने गाजर मूली जैसी इन्होंने ले ली है। 300 से ऊपर गांव इन्होंने युद्ध जैसे बर्बाद किया है। ये भारतीय दंगों का एक नया टर्न निकला। फिर उसके बाद में गुजरात है और भी बहुत सारे दंगे गिनाए जा सकते हैं, लेकिन संघ परिवार को पर्टिकुलरली लगा कि दंगे भी शायद लोगों की समझ में आ गए हैं, तो उन्होंने टेरर वाली एक नई एक तरह से ईजाद की। पहला टेरर गतिविधि तो मैं 30 जनवरी 1948 का इसी दिल्ली शहर का बिड़ला हाउस में का गांधी जी की हत्या का मानता हूँ, आरएसएस का। और उसके बाद में कुछ छुटपुट चीज़ें करते रहते थे, लेकिन हिंदुत्व के पोलराइजेशन के केस में उन्होंने दंगों के ही खेल में, उनको लगा कि दंगों से मामला अभी थोड़ा एक रिपीटेड हो रहा है, लोगों की थोड़ी समझ में भी आ रहा है, तो टेरर की तरफ वो शायद शिफ्ट हुए, ऐसा मेरा अपना मानना है। क्योंकि जो सारी घटनाओं का जिसका आपने नाम लिया, उन घटनाओं में मैं देखने लगा कि भाई, अब मालेगांव का उदाहरण ले लीजिए। मालेगांव ये लगभग 50% के ऊपर मुस्लिम बहुल है, जिस जगह दंग ब्लास्ट हुए वो पूरे मुस्लिम बहुल इलाके, जो मरे वो मुसलमान मरे, मुसलमान के त्यौहारों में मरे। मालेगांव की ये जो एक तरह से बंटवारे जैसी स्थिति बन गई है कई सालों से, उस तरफ तो बहुत सारे हिंदू जाते भी नहीं हैं, और ऐसी जगहों पर कोई मुसलमान गतिविधि करे, मुसलमान कोई मारे, ये मेरी समझ में नहीं आया। और चंद मिनटों में जो तुरंत हमारी सो कॉल्ड जांच एजेंसीज घटना होती है और उसके एक आध घंटे के भीतर में तुरंत मीडिया के ऊपर मुजाहिदीन, फिदाइन, इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा और क्या क्या नए नए नाम ईजाद कर करके जो कॉइन किए जाते हैं, इससे मेरे कान खड़े हुए कि मुझे लगा कि ये मामला इतना जल्दी बगैर कोई इंक्वायरी किए, बगैर कोई इन्वेस्टिगेशन किए वहाँ कोई पहुँचे, ये इतना जल्दी ऐसे कैसे डिक्लेयर कर दे रहे कि जैसे कोई पहले से स्क्रिप्ट लिखी गई है, पहले से सब कुछ मालूम है। और इस कारण फिर मैंने सबसे पहले मैंने अगर किसी जांच में हाथ डाला है तो वो है नांदेड़ बॉम्ब ब्लास्ट, जिसकी तारीख है 6 अप्रैल 2006। ये मैं एक तरह से इसकी शुरुआत मानता हूँ। और भी बहुत सारी घटनाएं, लेकिन मेरा अपना खुद का सरोकार इस घटना से हुआ। और इस घटना में मैंने देखा कि वो जो घर था राजकोंडावार जी का, वो बाकायदा भगवा ध्वज उसमें लहरा रहा था। घर में महाभारत के युद्ध की एक बहुत बड़ी तस्वीर थी, श्री कृष्ण रथ चला रहे, अर्जुन उस पर बैठे हुए हैं। और अड़ोस पड़ोस वालों से पता किया तो वो घर के सामने के मैदान में आरएसएस की शाखा इस परिवार के लोग ही चलाते थे। इसका मतलब ये परिवार आरएसएस का कमिटेड परिवार था। और राजकोंडावार एक रिटायर्ड इंजीनियर, उनका बेटा जो उस ब्लास्ट में मारा गया, तो वो सब पूरा जब मैंने देखा वहाँ का माहौल और ब्लास्ट का पूरा विदारक था, तो उससे मेरे कान खड़े हुए कि ये मैंने का एक मामूली ब्लास्ट नहीं है, कुछ तो भी और चक्कर है। तो मैंने नांदेड़ पुलिस से काफ़ी बहस की। वो तो बार बार पटाखों का ब्लास्ट यानी क्रैकर जिसको बोलते हैं मराठी में, फटाका बोलते, तो मुझे बार बार एसपी साहब कहते रहे, फतेह सिंह पाटिल उनका नाम है, तो फटाके का स्फोट है, फटाके का स्फोट है। तो मैंने उनको कहा कि अगर ये एक मुसलमान का सचमुच फटाखों का होता तो आपने एटम बम बोला होता, ये एक हिंदू के घर में हुआ है, वो भी आरएसएस वर्कर के घर में हुआ है, तो आप उसको बहुत ही ये करके अंडर एस्टिमेट कर रहे। मुझे लग रहा कि वो संगीन मामला है, और मेरे हिसाब से महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 की हत्या के बाद भारत में का आरएसएस का ये कुछ ऐसा कुछ मामला था जो मुझे मेरे मन में कोई शक शुबा नहीं रहा। और बाद में जब इंक्वायरी हुई तो दूध का दूध पानी का पानी निकला, उसमें से पूरी मामले में से निकला है कि ये पूरा कमिटेड आरएसएस का घर था, इसमें इन्वॉल्व लोग आरएसएस के थे, जितने लोग मारे गए वो सब आरएसएस के थे। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मिथुन चक्रवर्ती नाम का नाम जो उसमें से उभर के आया, जिसने इन लोगों को प्रशिक्षण दिया था,
वो शायद कर्नल को भी थी है, और वो आर्मी में रहते हुए आश्चर्य की बात यह है कि जब महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य या ATS की स्थापना हुई, भारत ने तब तक आतंकवाद विरोधी कोई दस्ता बना नहीं था। महाराष्ट्र ये पहला राज्य जिसने ATS बनाया, और उस ATS के रघुवंश करके जो प्रमुख बनाए गए थे, इस महाशय ने इसी कर्नल पुरोहित को महाराष्ट्र ATS को प्रशिक्षण देने के लिए एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाया हुआ है। ये कर्नल पुरोहित का बैकग्राउंड है, और कर्नल पुरोहित ने आर्मी में रहते हुए हिमानी सावरकर नाम की, विनायक दामोदर सावरकर के पते हूँ, और गोपाल गोडसे की लड़की, जिसको अभिनव भारत नाम का संगठन का, जिस संगठन को विनायक दामोदर सावरकर ने अपने खुद के जीवन काल में समाप्त कर दिया था, विसर्जित कर दिया था, उसका इन्होंने पुनर्जीवन किया। कर्नल पुरोहित है, हिमानी सावरकर है, और बहुत सारे अन्य लोग भी है। इन्होंने इस ढंग से अभिनव भारत नाम का संगठन बनाया। अभिनव भारत नाम के संगठन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर कोई भी पढ़ेगा, जहाँ तक आतंकवाद और अलग अलग तरह के बंदूक की नली से क्रांति निकलती कहने वाले सभी चीज़ों की जो मैंने अपने लाइफ में जो इंक्वायरीज की, उसमें मैंने पहली बार कोई संगठन देखा है जिसने भारत के संविधान को नकारा है, जिसने भारत के तिरंगे झंडे को हमारा झंडा नहीं ऐसा करके साफ साफ लिखा है, हमें भगवा झंडा लहराना है लाल किले के ऊपर। और सबसे हैरानी वाली बात, एक्साइल गवर्नमेंट के लिए इन्होंने नेपाल और इजराइल से परमिशन मांगने के लेटर्स पत्राचार किए हैं, जो मालेगांव ब्लास्ट केस जो नासिक कोर्ट में चल रही है उस केस के केस पेपर के हवाले से मैं कह रहा हूँ। हेमंत करकरे जी, हमारे इंक्वायरी के बाद में गवर्नमेंट ने ऑफिशियल इंक्वायरी बनाई, हेमंत करकरे जी बाद में महाराष्ट्र ATS के प्रमुख बनाए गए, और उन्होंने जो इंक्वायरी की उसके बाद से ये पूरी बातें साफ होना शुरू हुई। मैं एक अंदाज कर रहा था, मैंने हाइपोथेटिकल कहा था, मैंने कोई स्पेसिफिक प्रज्ञा सिंह या पुरोहित या RSS या ये सब अभिनव भारत वगैरह का मेरा कोई खोज नहीं है, लेकिन जिनका जांच एजेंसी का और जिनका इंक्वायरी का अपना तजुर्बा होता है, उन्होंने ये सब खोजा और उसमें से जो निकला है वो अत्यंत हैरानी करने वाला है। और इस नांदेड़ के ब्लास्ट 6 अप्रैल 2006 के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए 1 जून 2006 को नागपुर RSS हेडक्वार्टर को उड़ाने के लिए 4 फिदायीन पाकिस्तान से आए थे, ऐसी खबर मैंने 2 जून को जब पढ़ी तब मेरे और कान खड़े हुए कि पाकिस्तान से 4 फिदायीन आते हैं, नागपुर के RSS हेडक्वार्टर के कुछ मीटर की दूरी पर मारे जाते हैं, 300-350 किलो RTX वो लेके आए हैं ऐसा पुलिस कहती है, और RSS हेडक्वार्टर को दूर नागपुर के किसी भी दीवार या गली का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और ये वहाँ मारे गए। तो इस कारण मैंने उस केस को भी इंक्वायरी की, और वो इंक्वायरी में से मैंने पाया कि ये पूरा के पूरा फेक एनकाउंटर है, क्योंकि जो बॉडीज़ दिखाई गई वो पहले से मार के लाई गई थी। उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने मांगने की कोशिश की तो मेडिकल कॉलेज की डीन मैडम जो थी कोई, उन्होंने मुझे साफ साफ कहा कि पुलिस ने मुझे मना किया आपको ये देने के लिए। हमने कोतवाली पुलिस स्टेशन में जाके जब FIR और इनपे पंचनामा देखा तो वो दिया तो नहीं कॉपी, लेकिन हमने वहाँ पर रजिस्टर देखा है तो वो सब चीज़ें, और हमने वो गाड़ियाँ जो आतंकवादी और पुलिस ने इस्तेमाल की थी उनका भी पूरा मुआयना किया, वो सब चीज़ों से हमने देखा कि ये पूरा के पूरा मामला फेक एनकाउंटर का है। तो वो नांदेड़ से डाइवर्शन के लिए नागपुर आर्ट हेडक्वार्टर का मामला किया गया था, और फिर उसके बाद में तो ऐसा समझिए कि कड़ी के तौर पर समझौता एक्सप्रेस है, मालेगांव है, जयपुर है, हैदराबाद गोकुल चाट है, लुम्बिनी पार्क है, और दिल्ली है, बनारस है, देश में तो ऐसे दर्जनों के, सूरत है, बड़ौदा है, अक्षरधाम है, पार्लियामेंट अटैक तक है, बहुत सारे ऐसे गिनाए जा सकते, एक प्रकार की आतंकवाद की भारत में झड़ी जैसी लग रही है। और पीड़ा है मुझे कि उस समय कांग्रेस की सरकार, UP की सरकार बहुत सारी जगह में काम कर रही थी गुजरात को छोड़कर, लेकिन इस पूरे आतंकवाद के मामले में जिस ढंग से इंक्वायरीज और जिस ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए थी तभी उतने नहीं हुई। करकरे जी का अगर आपात छोड़ दे तो बाकी चीज़ों के बारे में काफ़ी ढील बरती गई। बटला जिस दिल्ली में बैठ के मैं बोल रहा, वो बटला सो कॉल्ड एनकाउंटर भी
बहुत फर्जी एनकाउंटर है, आजमगढ़ आतंकगढ़ बोला वहाँ भी मैं गया हूँ, तो भारत की मैक्सिमम आतंकवादी गतिविधियों का जहाँ तक मुझे इंक्वायरी करने का मौका मिला है, क्योंकि सब आपके सामने अभी हर एक बात के ऊपर विस्तार से बोलना संभव नहीं है समय के कारण, तो इसलिए मैं मोटा मोटी ये कहने जाऊँगा कि भारत की मैक्सिमम गतिविधियों में अगर ठीक ढंग से जांच करके पाएंगे तो इसमें मुसलमान बिल्कुल नहीं होंगे ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि जिस मुसलमान ने दंगों में अपनी माँ को बलात्कार होते हुए देखा, बहन को नंगा करते हुए देखा होगा, वो कोई बदले की भावना में शायद कुछ निकला भी होगा, मैं बिल्कुल नहीं क्लीन चिट दे रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम आतंकवाद है, ये सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी इसके संबंध है, इसलिए गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम मोहम्मद ममदानी साहब की किताब को अगर देख लेंगे तो ये आतंकवाद का मामला आइसोलेशन में नहीं है, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला किस ढंग का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम पे जो बनाने की कोशिश की गई है उसका भी एक पार्ट है, इसको उस ढंग से नहीं ले, इसलिए इसमें मोसाद का भी संबंध हो सकता है, क्योंकि ये इतने सफाई से ऐसे ऐसे किए गए ये ऑपरेशन, ये ऑपरेशन कोई अकेले पुरोहित, अकेली कोई प्रज्ञा सिंह, अकेला कोई हिमांशु पानसे या क्या क्या ऐसा नहीं लग रहा, ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत दुख है मुझे जिस ढंग से इन चीज़ों की इंक्वायरी होके पूरा मामला साफ होने चाहता, अब तो उल्टा हो गया, अब ये सत्ता में आने के बाद में उस पूरे आतंकवादी चीज़ों को पूरा क्लीन चिट देने पे लगे हुए हैं, कर्नल पुरोहित को अभी नांदेड़ वाले को भी कल परसों बेल मिल गई, तो लगभग और हेमंत करकरे को झूठा ठहराने के हिसाब से NIA, तो मेरा अपना इस बहाने एक ऐसा अभी ओपिनियन बनते जा रहा है, क्योंकि इस विषय पे मैंने जब से आतंकवाद शुरू हुआ आप आज 10 साल से ऊपर का समय हो रहा, 10-12 साल का समय मेरा इसमें भी काफ़ी गया है, तो मेरे अपने अनुभव से मेरा ये आरोप इस बहाने कि NIA क्या इन्हीं बातों के लिए बनाई गई कि क्या, क्योंकि NIA ने जिस ढंग से ATS महाराष्ट्र के करकरे के बनाए हुए आरोप पत्रों को बदलना शुरू किया है और हर चीज़ को उल्टा कर करके जिस ढंग से वो तुले हुए हैं और एक तरह से बाइज़त बरी करने पे निकले हुए, इसके सबसे क्लासिकल मिसाल जो है नथुराम गोडसे की गांधी हत्या की बात को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्याय मित्र बना के, जो कि उस समय के कोई भी आज जीवित नहीं है, न इंक्वायरी ऑफिसर जीवित है, न कोई उस ढंग का अभी कोई भी शायद शख्स ऐसा नहीं होगा, इवन इस पर लिखने वाले मनोहर मलगांवकर से लेके हर तरह के लोग, गोपाल गोडसे से लेके कोई भी जीवित नहीं है, सबके सब इस दुनिया से आज विदा हो चुके हैं, और उस न्याय मित्र की नियुक्ति करके भारतीय न्यायालय क्या करना चाहता है, तो मेरा आज आपके इस माध्यम के बहाने ये आरोप है कि गांधी हत्या की केस पर जो कलंक लगा हुआ है उससे ये मुक्ति दिलाने के लिए एक तरह की ये कोशिश कर रहे हैं। गांधी हत्या पूरे विश्व को हैरान हिलाने वाली बात है 1948 की, जब उस बात को बदलने की या डायलूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी ये जो छोटे छोटे जो हादसे हैं मालेगांव से लेकर नांदेड़ से लेकर हर तरह के, ये सब बातें तो बहुत छोटी हो रही है, तो इसलिए मास्को ट्रायल्स विश्व प्रसिद्ध है, बहुत सारे इसके ऊपर दुनिया भर के लोगों ने आर्थर कोसलर से लेके जॉर्ज ऑरवेल से लेके बहुत सारे लोगों ने इस पर लिखा गया है, भारत में ये चीज़ें अब दोबारा हो रही क्या ऐसा मुझे लगने लगा है, क्योंकि न्यायपालिका को हमारा बहुत बड़ा सशक्त माध्यम माना जाता था, लेकिन आज न्यायपालिका जिस ढंग से कर्नल पुरोहित से लेकर सब तरह के लोगों को और प्रज्ञा सिंह से लेकर सबको और अमित शाह वर्तमान सत्ताधारी पार्टी का भारत के संसदीय इतिहास का शायद पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जो 5 मर्डर के केसेस में बाकायदा जमानत के ऊपर घूम रहा है, जिसकी केसेस आज कोर्ट में चल रही है, ये बरी नहीं है, इसकी केसेस बाकायदा चल रही है और ये आज कुछ एक ही महीना हो रहा है राज्यसभा में आके बैठ भी गया है, तो भारतीय संसदीय इतिहास में इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि जिस आदमी ने 5 मर्डर केसेस तो कोर्ट में चलने वाली है, राणा आयोग की किताब के हवाले से और अलग अलग जांच आयोगों के हवाले से ये सब चीज़ों से देखे जाए तो ये और भी कई तरह के हत्याओं के मामले निकलते हैं उसमें से, लेकिन ये 5 मामले जो ऑलरेडी डायरेक्ट कोर्ट में चल रहे हैं और इसको जमानत मिली हुई है और ये जेल में रहा है, इसको गृहमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है
और आज एक रूलिंग पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के देश भर में घूम रहा है, भारतीय संसदीय इतिहास का इससे बड़ा गंभीर पर्व कोई हो नहीं सकता, ये मैं इस बहाने कहना चाहता हूँ।